खबर मैनपुरी से। गांव का बिना विकास कराए ग्राम प्रधान और सचिव ने गबन किया पैसा, शिकायत के बाद खुली पोल। बीडीओ बोले मौके पर नहीं हुआ कोई काम, सीडीओ सौंपेंगे जांच। बता दें जनपद मैनपुरी के विकास खंड क्षेत्र के गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर गांव में बिना विकास कार्य कराए उनका भुगतान कराए जाने और ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता द्वारा डीएम से शिकायत के बाद अधिकारियों ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें निकाले गए भुगतान का कोई कार्य मौके पर नहीं मिला। बीडीओ ने गांव की जांच कर मामले को सीडीओ को अवगत करा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। जनपद मैनपुरी के बरनाहल विकास खंड की ग्राम पंचायत रेढ़ापुर से जुड़ा हुआ है ये मामला है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी शिकायतकर्ता रंजीत सिंह अपने गांव में फैली गंदगी और खराब पड़ी गलियों की शिकायत ग्राम प्रधान से उन्होंने की, तो ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में पैसा नहीं आ रहा है, जिस कारण विकास कार्य रुका पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने अपने गांव के विकास कार्य का डाटा निकाला तो उसे जानकारी हुई ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा गाँव में पड़ी खराब गलियों और सड़कों को नई बनवाकर उनका पैसा निकाल लिया गया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत उसने शपथ पत्र के माध्यम से अधिकारियों से की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। उसे शिकायत को सीडीओ ने उसका संज्ञान लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बरनाहल को सौंप दी। वीडियो बरनाहल जब जांच करने पहुंचे ग्राम पंचायत गए तो ग्राम पंचायत में किए गए कार्य मौके पर मौजूद नहीं मिले। तब जाकर गाँव में हुए गबन और भ्रष्टाचार की पोल खुली। अधिकारियों के इस मामले में कार्यवाही की बात कह रहे हैं। अब कोई गरीब हो तो बम्फर में ही मरे हो बेचारो, तो महीना भाई इंतजार कर, तो बम्फर के पैसा कहाँ तक है, गलत कह रहे आप बताओ। मेरा नाम सीमा है। सीमा कौन सा गांव है? रेग्राम रेढ़ापुर। रेढ़ापुर, अच्छा, ये जल भराव की समस्या कब से बनी हुई है? करीब 5 साल हो गई है यहाँ पर। ग्राम प्रधान ने से कहा नहीं आप लोगों ने? कहा है, वो सुनते ही नहीं है। किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है? अरे इधर पानी भरने आते हैं तो इधर सारे भींग जाते हैं, और बच्चों को जब स्कूल भेजने आते हैं कहीं उन्हें गोदी लेके कंधे पे बिठा लेके आते हैं वो भींग जाते हैं ड्रेस में। एक तो मेरा लड़का कल गिर गया यहाँ पर, सारी उसकी ड्रेस भींग गई। अच्छा, कौन सा गांव है? नगरा व्यसन। ये जल भराव को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला, सबसे जल भराव की समस्या बनी हुई है 3 साल करीब रही है। 3 साल, इस बारे में आपने प्रधान से कहा? प्रधान से कहा सब जगह, तो हम तो तुम्हारे गाँव वाले हमें बाका वोट देते हैं, अपने प्रधान हरावे गए काम के लिए नहीं देते, तुम्हारा गाँव जाए ले गए। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक कहीं शिकायत की है इसकी? शिकायत करते हैं, सुनती ना कुछ। शिकायत करते कहते हैं प्रधान से, सुनते ही नहीं, जगह तो तुम्हारा गांव जाई लायक है, उसमें पानी भरने के लायक है। कौन सी ग्राम पंचायत है, क्या प्रधान का नाम है? रेढ़ापुर औसन सिंह। अच्छा, ये बच्चे स्कूल कैसे जा पाते? बच्चे जब निकलते पानी दम भर पेंट समेट लेते हैं और वहाँ जाकर पेन ले जाएगा मंदिर कहाँ जाके निकल गया। गंदा पानी आता है, इससे बीमारियां भी पैदा होती है। बच्चे के साथ फुरा फुंसी है उनके अंदर, हाथ पे सड़े हुए। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आप लोगों के? ये समस्या जो ये पानी कब से जल भराव बना हुआ है? 2-3 साल हो गई ऐसे भर रहा। 2-3 साल ग्राम प्रधान से कभी कहा नहीं? कहा जब भी रोग बहु कर पानी में हम लोग करा रखा करें सुन तो ना कहो तो ना सुनिए ही ना। कैसी शिकायत की गई है कि आपके गांव से एक सीसी मार्ग का लाखों रुपए निकाल लिया गया, आपको जानकारी है क्या है पूरा मामला? हमें ना जब तक मालूम है तो तू तो यार का पैसा निकाल लिया गया है जबकि मौके पर पड़ी नहीं है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि वहाँ रंजीत सिंह द्वारा शिकायत की गई थी पूर्व में शपथ पत्र पर जिलाधिकारी में हो गए थे, वो हमारे पास नहीं आई, लेकिन सीडीओ मैडम द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत आई है और उनके द्वारा हमारी व्हाट्सएप पर भेजी गई, जिसमें आज मैं और ADO IS भी दोनों लोग देखने गया था। मौके पर वो सड़क नहीं बनी पाई गई और
वर्तमान में दो लेबर तीन लगे हुए वहाँ खुदाई का काम कर रहे थे, जबकि पैसा 80,200 रुपये इसको निकाला जा चुका है। मौके पर कोई काम नहीं पाया गया, जिसकी जांच मेरे द्वारा कल तक CDO मैडम को उपलब्ध करा दी जाएगी।